मतलब, add, element, लेकिन इंटरनली पाइथन ने अपना एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट आपको जनरेट करके दे दिया सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए तो आपको सीरीज का समझ आया होगा अब डेटा फ्रेम भी आते हैं तो डेटा फ्रेम होता है टू डायमेंशन क्यों इसमें रोज भी होते हैं है, कॉलम्स भी होते हैं अब ये हेट्रोजीनियस होता है मतलब की डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप हो सकता है ये तो पक्का है क्योंकि एक कॉलम में अगर आपने वैल्यू दे दी इंटीजर तो दूसरे कॉलम में आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज दे सकते हो तीसरे कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू दे सकते हो फ्लोट टाइप की तो ये हाइड्रोजीनियस टाइप की वैल्यूज लेता है अब तो ये होता है वैल्यू म्यूटेबल दैट इज देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज हां जैसे आप सीरीज में कर सकते हो वैसे ही आप डेटा फ्रेम में भी वैल्यू चेंजेस कर सकते हो आगे साइज म्यूटेबल दैट इज साइज ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन चेंज इन प्लेस तो मतलब कि आपका इंटरनली कोई एक नया डेटा फ्रेम जनरेट नहीं होगा उसी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस आप रिफ्लेक्ट करा सकते हो दैट इज यू कैन ऐड ड्रॉप एलिमेंट इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और आप जान चुके होंगे कि डिफरेंस बिटवीन सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या होता है तो अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग